हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की मज़ेदार सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जायके में बहुत अच्छी होती है। ये सूखे भुने मसाले की कटहल की सब्ज़ी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो कटहल है, इसे छील के हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसे बड़े बड़े पीस में कट ना करें। और जो इसके बीज होते हैं उस एक बीज में से 3-4 छोटे छोटे पीस कर लें इस तरह से, और काट के इसे हम वॉश कर लेंगे। तो कढ़ाई में हमने 1.5 कप सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। सब्ज़ियाँ जब भी बनाएं तो सरसों के तेल में बनाएं, सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तेल जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो कटहल इसमें डाल देंगे। अब कटहल को हम चलाते हुए ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो कटहल हमारा देखिए ब्राउन हो गया है। तो कटहल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी हम इस प्लेट को साइड में रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कढ़ाई में 1 कप सरसों का तेल डालेंगे और इसे तेज़ गरम कर लेंगे। फ्लेम लो रखेंगे और 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। 4 काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1 हरी इलायची भी ऐड कर देंगे। छोटे छोटे 3-4 दालचीनी के पीस ऐड कर देंगे। हल्का सा इन्हें चलाएंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। तो प्याज को हमें सॉफ़्ट होने तक फ्राई करना है। तो देखिए ये सॉफ़्ट हो गई है। ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। तो टमाटर को सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इन्हें से चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इस स्टेज पे कटहल ऐड कर देंगे। कटी हुई पतली वाली 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छे से चलाते हुए मसाले में मिक्स करेंगे। और थोड़े से पत्ते पकते हुए के बीच में हरे धनिया के डाल देंगे। थोड़े से अदरक के कटे हुए स्लाइस डाल देंगे। इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो देखिए मसाले से ही कैसी लथपथ हो गई है और तेल अलग रिलीज हो गया है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और फिर इसे चलाएंगे। अब फिर इसे कवर करके 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में से चलाते रहेंगे। कढ़ाई के बॉटम पे हमने 2-3 टेबल स्पून पानी डाला था। 10 मिनट हो गए तो अब हम इसे खोल के देखेंगे। तो इस स्टेज पे हम अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए हमारा कटहल मसाले से लथपथ हो गया है, ऑयल अलग रिलीज हो गया है और कटहल अच्छे से गल गया है। और थोड़ा गार्निश कर देंगे हरे धनिया, हरी मिर्च, अदरक से। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो अब हम सर्व कर लेंगे। तो हमारी सूखी भुने मसाले की कटहल की सब्ज़ी तैयार है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें।
तो इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, फुलके के साथ भी खा सकते हैं। फुलके के साथ ये बहुत जायके की लगती है, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।